नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर डेली न्यूज एनालिसिस 13 अक्टूबर 2021 आज के इंपॉर्टेंट न्यूज कौन कौन सा है चेक कर लेते हैं सबसे पहला न्यूज कोवैक्सिन फॉर एमरजेंसी यूज इन टू टू एटीन एज ग्रुप देखिए भारत बायोटेक का कोविड नाइन्टीन वैक्सीन कोवैक्सिन या बी बी वी, वी वन फाइव टू इट हैज बीन रिकमेंडेड फॉर एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देखिए हमारे देश का जो ड्रग मॉनिटरिंग एजेंसी है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी बनाया था ये चेक करने के लिए बच्चे कितना एक्सपोज है वायरस के लिए और बच्चों में वैक्सीनेशन कब शुरू कर सकता है तो ये जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंडेशन दे दिया गया है एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए देखिए नॉर्मली कोई भी एक ड्रग हो या वैक्सीन हो एक देश में लोगों में एडमिनिस्टर करने से पहले लेंथी प्रोसीजर होता है मतलब उसका फेज वन फेज टू फेज थ्री क्लिनिकल ट्रायल्स होना होता है ये चक्कर लेते हैं कि कुछ साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं तो पूरी लेंथी प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद पूरे रिपोर्ट्स स्क्रूटनी करने के बाद ही ऑथोराइजेशन दिया जाता था पर एमरजेंसी सिचुएशंस में जैसे कोविड नाइन्टीन पैंडमिक सिचुएशन में क्या किया गया था कई सारे देशों में वैक्सीन्स को एमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दिया गया मतलब देखिए ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में अगर ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है तो दिया जा सकता है तो ऐसे ही तो दिया जितने वैक्सीन अभी एडमिनिस्टर हो रहा है वो सब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में ही दिया गया है वैसे दोस्तों एक बात आपको समझना पड़ेगा ये जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वाला जो क्लॉज है ना हमारे देश में जो ड्रग रूल्स वगैरह उसमें था, था ही नहीं पर ऐसे एक कंडीशन में मतलब ऐसे एक सिचुएशन में दिया गया था वो अलग बात है ये आप समझना पड़ेगा आपको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हमारे कोई रूल बुक में नहीं था ऐसा दिया जा सकता है करके ठीक है ये मैंने आपको पहले भी बताया था आप देखिए कोवैक्सिन इस कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस हॉल वायरियोन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डेवलप बाई भारत बायोटेक इन कोलाबरेशन में। देखिए Covaxin जो है हमारे देश का पहला इंडिजीनियस हॉल वायरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है ये बनाया कौन कौन था एक तो भारत बायोटेक ने इन कोलाब्रेशन विद इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी अब देखिए हॉल वायरियन वैक्सीन मतलब क्या होता है देखिए दोस्तों नॉर्मली ये वैक्सीनेशन होता कैसा है जिस वायरस से डिजीज होता है ना उसी वायरस का इनएक्टिवेटेड फॉर्म हमारे शरीर में इंजेक्ट करते हैं। तो हमारे शरीर में जब वो फॉरिन पार्टिकल या फिर वायरस या पाथोजन घुसता है ना तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पोंड करता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं तो ये सोचिए अगर वो वायरस फुल फॉर्म में अगर हमारे शरीर में आ जाएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा हमारा इम्यून सिस्टम रेडी नहीं होगा इसके लिए क्या करेगा सबसे पहले वही वायरस का एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म भेज दिया जाएगा हमारे शरीर के अंदर तो मतलब वो वायरस हमारे शरीर को इतना हानि नहीं पहुंचा सकता है और हमारे एंटीबॉडीज़ जो है ऑलरेडी उसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी क्रिएट भी कर देगा तो एक बार एंटीबॉडी क्रिएट हो जाएगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर एक्चुअल वायरस भी हमारे शरीर में घुस जाएगा ना तब हमारी जो एंटीबॉडीज उन्हें डिफेंड कर पाएंगे तो सबसे पहले वही वायरस का इनएक्टिवेटेड फॉर्म इंजेक्ट कराना इस तरह के वायरस को हॉल वायरियोन वैक्सीन बोलते हैं तो कोवैक्सीन जो है हमारे देश का पहला इंडिजीनियस हॉल वायरियोन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है आई होप आप समझ गए अब देखिए इफ गिवन द ग्रीन सिग्नल इट विल एमेज एस द फर्स्ट कोविड 19 वैक्सीन ग्लॉबरी टू बी यूज फॉर वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन एस यंग आज टू इयर्स ठीक है इतने छोटे उम्र के बच्चों में अटमिशर करने वाला पहला वैक्सीन बन जाएगा अगर इसको इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन मिल जाएगा तो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू टेक ए कॉल ऑन भारत बायोटेक इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन एप्लीकेशन फॉर कोवैक्सिन सो ठीक है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी देखेगा कि ये इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दे सकता है या नहीं दे सकता है अब ट्रल ड्रग्स के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स देखिए इज द सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी फॉर डिस्चार्जिंग टू देंट्रल देखिए हमारे देश में ड्रग्स होते हैं कॉस्मेटिक्स होते हैं इन सब का मॉनिटरिंग या फिर एक अथॉरिटी आप बोल सकते हो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मेजर फंक्शंस क्या क्या है रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स देखिए जितने भी ड्रग्स हैं बेसिकली मेडिसिन वगैरह है उसका इंपोर्ट यह कंट्रोल करते हैं रेगुलेशन ये देखते हैं और अप्रूवल ये देते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे कैसे होना चाहिए वो चेक कर लेते हैं एंड सर्टन लाइसेंसेस भी यही इशू करते हैं एस सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी जो हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एक रेगुलेटर भी है लाइसेंस भी इशू करता है न्यू ड्रग्स का अप्रूवल देता है क्लिनिकल ट्रायल्स भी ऑथोराइज करता है ठीक है और एक ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंसेस ऑफ़ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स सच आज ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स आई वी फ्लूइड्स वैक्सीन्स एंड जेराइन इंडिया ठीक है तो यह सब चीज़ का अप्रूवल ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया देते हैं वैसे हमारा ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है मेरे हिसाब से वी जी सोमानी साहब है आप एक बार चेक कीजिएगा ठीक है मुझे पता नहीं है मैं भूल गया तो यह है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एंड कोवैक्सीन फॉर एमरजेंसी यूज के बारे में तो पेपर थ्री जनरल स्टडीज टू में इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ में आपको ये न्यूज काम आएगा तो आगे जाने से पहले वही बातें दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू अगला न्यूज है मोदी फॉर ह्यूमैनिटेरियन टू अफगानिस्तान देखिए आप सबको पता होगा अगला जी ट्वेंटी होने वाला है इटली में तो इससे पहले जी ट्वेंटी लीडर्स अफगानिस्तान इश्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसमें पीएम मोदी जी ने यह बोला है अफगानिस्तान रिक्वेस्ट अनहिंडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट बेसिकली आपको पता होगा तालिबान टेक ओवर के बाद अफगानिस्तान का जो सिचुएशन है वो काफी बुरा है तो इन्हें अभी इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत है अनहिंडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत है यह पीएम मोदी जी ने बोला है मोदी री इटरेटेड इंडिया कॉल फॉर शेपिंग इंटरनेशनल रेस्पॉन्स ऑन अफगान क्राइसिस अलॉन्ग द कंडीशन लेन इन यू एन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन टू फॉर्ट नाइन थ्री देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू एन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोलूशन रिलेट्स टू वॉट ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो बेसिकली इट वाजॉप्टेड ऑन थर्टी ऑगस् टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉलोइंग द फॉल ऑफ कबूल एंड सब्सिकुएंट तालिबान टेक ओवर इन अफगानिस्तान तो जैसे कबूल में जो गवर्नमेंट है वो फॉल हुआ था इसके बाद तालिबान टेक ओवर किया था इस इश्यू से रिलेटेड ये शन सिक्योरिटी काउंसिल रेसोल्यूशन टू फॉइट नाइन थ्री अडोप्ट किया था ये आपको तो, मोदी जी ने यह बोला है कि हमें इंटरनेशनल रिस्पॉन्स शेप करने की जरूरत है ऑन द अफगान क्राइसिस मतलब पूरे देश को एक साथ होकर अफगान क्राइसिस को सॉल्व करने की जरूरत है एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन टू में जितनी चीज लिखा है उसे हमें इंप्लीमेंट करना भी चाहिए एंड ही आज फॉर प्रसर्विंग द गेन ऑफ लास्ट टू डिकेट्स इन अफगानिस्तान अफगानिस्तान में लास्ट टू डिकेट्स में जो गेंस हुआ है मतलब तालिबान आने से पहले जब तक उधर यूएस नाइट और था तब अफगानिस्तान ने जो गेन पाया है जितने उन्होंने अच्छा काम किया है उसे प्रिजर्व करने की ज़रूरत है ये नहीं होने देना है तालिबान टेक ओवर होने के बाद सब कुछ तमाम हो गया और उनके जो अफगान सिटीजन से उनके कंडीशन जो है बुरा हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए तो ये मोदी जी ने बोला है आपको पता होगा इंडियन गवर्नमेंट ने मतलब जब यूएस नैटो ट्रूप्स प्रेजेंट थे अफगानिस्तान में तब काफी सारे इन्वेस्टमेंट किया है जैसे इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप ये आपको पता ही होगा ओवर बिलियन यूएस डॉलर्स इंडिया ने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट कर रखा है अब इंडिया को ये भी डर है तालिबान टेक ओवर करने के बाद उन प्रोजेक्ट्स का क्या होगा वो अलग बात है मोदी रिफोर्ड टू गुड पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान एंड इन्फॉर्म द इटली दैट इंडिया हैज इंप्लीमेंटेड ओवर हंड्रेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान इन द लास्ट टू डीट इंडिया ने 500 से ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कर रखा है अफगानिस्तान में ये मोदी ने स्पेशली बोला है इटली को इटली मतलब समिट कौन होस्ट करने वाला है इटली मैंने आपको पहली बता दिया प्राइम मिनिस्टर सपोर्टेड द रोल ऑफ यू एन इन सॉल्विंग द करंट सिचुएशन इन अफगानिस्तान एंड ऑल्सो हाईलाइटेड हार्मनी बिटवीन यू एन एंड जी ट्वेंटी इन रिगार्ड तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला यूनाइटेड नेशंस जो इन्वॉल्व हो रहा है अफगानिस्तान के करंट सिचुएशन बहुत अच्छी बात है एंड यूनाइटेड नेशन जी ट्वेंटी को हार्मनी में काम करने की जरूरत है अफगानिस्तान क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए ठीक है प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइन द नीड टू एंश्योर दैट अफगान टेरिटरी डस नॉट बिकम ए सोर्स ऑफ रेडिकलाइजेशन टेरिज्म एक्सेट्रा ये तो वही बोल बचन वाली बात है ये हमेशा बोलते हैं हमें टेर्रिज्म स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एंड आर्म्स इन द रीजन ये सब हमें रोकना है ऐसा नहीं कि तालिबान टेक ओवर करने के बाद यह सब फिर से शुरू हो गया अफगानिस्तान में टेररिस्ट का हैवन बन गया ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान अगर ऐसे टेर्रिज्म का एक हब बन जाएगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होगा हमें ही होगा तो हमें यह सब इनिशिएटिव लेने की जरूरत है और ज़्यादा इंटरेस्ट देने है। है की जरूरत है कि नहीं दोस्तों अब फूड शॉर्टेज की बात में बारे में द कॉल फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अफगानिस्तान स्ट्रॉगर इन रीजेंट वीक्स एज द कंट्री फेस विंटर अहेड बिकॉज ऑफ फूड एंड मेडिसिन शॉर्टेज देखिए आपको पता है अब दिसंबर आने वाला है दिसंबर जनवरी में बहुत ज्यादा ठंड होगा और अफगानिस्तान जैसे जो हाई आल्टीट्यूड्स में जितने कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा अफगानिस्तान में ऑलरेडी प्रॉब्लम है अब ये विंटर जो आने वाला है उसमें और प्रॉब्लम हो जाएगा फूड एंड मेडिसिन शॉर्टेजेस भी है तो ये सब देखने की ज़रूरत है हमें तो पूरे कंट्रीज़ को एक साथ हो के अफग़ानिस्तान को हेल्प करना है ये इंडिया का स्टैंड है पर इसके साथ साथ मतलब ये सब के साथ साथ, इंडिया, ने अपना किया है। इंडिया ने अभी तक तालिबान गवर्नमेंट को रिक्नाइज नहीं किया है हाँ ये अलग बात है काफी सारे कंट्रीज बैक चैनल सपोर्ट दे रहा है तालिबान को पर इंडिया अभी तक अपना जो पोजीशन है वो क्लियर किया है देखिए सबसे पहला मोदी जी ने क्या बोला है अनहिंडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड इंक्लूसिव गवर्नमेंट इंक्लूसिव गवर्नमेंट बोला ही मतलब यही है कि तालिबान कभी इंक्लूसिव गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते ठीक है थीके? तो सीधा सीधा क्या है ना दोस्तों जब भी हमारे जो हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट से इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा रहता है जैसे देखिए अनहिंडेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के साथ साथ ये भी बोल दिया इंक्लूसिव गवर्नमेंट इसका मतलब है हमारा पोजिशन क्लियर है भाई हम हम स... आपको नहीं सपोर्ट करेंगे जो अफगान पीपल है ना जो सफर कर रहे हैं आपकी वजह से उन्हें सपोर्ट को करने के लिए हम तैयार हैं आप उन्हें सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत पैसे देना पड़ेगा वो क्योंकि वही इंप्लीमेंट करेगा जो भी है वो अलग बात है फिर भी हम आपके ये जो गवर्नमेंट है ये जो नॉन इंक्लूसिव गवर्नमेंट है उससे हम खुश नहीं है ऊपर से आपका जो टेक ओवर हुआ है जिस तरीके से आपका टेक ओवर हुआ है उसमें भी हम खुश नहीं हैं हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है कि हम तालिबान टेक ओवर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इंडिया का पोजिशन भी साथ साथ भर क्लियर किया है ठीक है तो यही न्यूज है तो इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेसोल्यूशन टू के बारे में आप ध्यान दीजिएगा और वही बात है दोस्तों आपको पता ही होगा पेपर थ्री जनरल स्टडीज टू इंटरनेशनल रिलेशन में ये न्यूज आपको काम आएगा अगला न्यूज है नो इरेगुलरिटी इन अपॉइंटमेंट ऑफ आस्थाना देखिए जब से राकेश आस्थाना आईपीएस दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपॉइंट हुआ है तब से लेके काफी ज्यादा पिटिशन चल रहा था कई सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दिल्ली कोर्ट में फाइल हुआ था यह बोल के कि राकेश आस्थाना आईपीएस आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये फ्री एंड फेयर वे में नहीं हुआ है तो तब से कोर्ट में केस चल रहा था तो आप जाके दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना वेडिक दे दिया है यह बोल के देर वॉज नो इरेगुलरिटी इलीगैलिटी और इनफर्मिटी इन हिज सिलेक्शन जो कुछ भी हुआ है वो सही हुआ है कोई इरेगुलरिटी नहीं है यह हाई कोर्ट ने क्लियरली बता दिया आप देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम क्या हुआ था देखिए दोस्तों ये जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर अपॉइंटमेंट है ना ये नॉर्मली ए जी कैडर से होता था ए एमयूटी मतलब अरुणाचल प्रदेश गोवा एंड मिजोरम यूनियन टेरिटरीज ये जो कैडर को कभी कभी यूनियन टेरिटरी कैडर भी बोलते हैं अब आपको और एक चीज समझना होगा रिसेंटली पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को भी ये ए एमयूटी कैडर में मर्ज किया था ठीक है ध्यान दीजिएगा तो एजी एम्यूटी कार्डर में आप जम्मू एंड कश्मीर भी है ठीक है आप देखिए तो नॉर्मली एजी एम्यूटी कार्डर से अपॉइंटमेंट होता था डेली पुलिस कमिश्नर का आप जाके ये रागेश आस्थाना साहब का हुआ है जो गुजरात का एड्रेस है रागेश आस्थाना आईपीएस जो है नाइनटीन एटी फोर बैच आईपीएस ऑफिसर है गुजरात के एडर्स है

टेनूर जो है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है तो अब इन्हें एक साल का टेनूर मिल गया एज पुलिस कमिश्नर अब सेंटर ने क्या बोला था देखिए जब से ये या पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह फाइल हुआ था तो डेली कोर्ट ने सेंटर को पूछा क्या भाई क्या चल रहा है तो सेंटर ने क्लियरली बोला था कि हमने ट्राई किया था एजी इम्यूनिटी कैडर से ही कोई काबिल पुलिस आईपीएस ऑफिसर को अपॉइंट करने का कोशिश किया था पर कोई नहीं मिला हमें इतना एक्सपीरियंस वाला मतलब देखिए Attempts were made to find a suitable Indian Police Service officer having diverse experience of policing in vast state or central investigation agency or national security paramilitary force, etc. etc. Ajay Mitu Kardar में से हमें इस तरह की कोई IPS senior IPS officer नहीं मिला जो ने experience है central investigation agency में, national security में, paramilitary force में ऐसा कोई senior IPS officer हमें नहीं मिला था। इसलिए हमें ये राकेश शास्त्रीनाथ साहब को appoint करना पड़ा। इसमें कोई political या politically involvement नहीं है। इन्होंने clearly बोला था। तो कोर्ट ने भी ये मान लिया है कोर्ट बोला जो अपॉइंटमेंट वो सही है तो पेपर थ्री जनरल स्टडीज टू में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में आपको ये न्यूज काम आएगा अगला न्यूज है सेंटर अनाउन्स प्लास्टिक बेस्ड रीसाइकलिंग टारगेट्स देखिए आप सबको पता होगा जुलाई टू से इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है बैंड हमने कवर किया था अब गवर्नमेंट की तरफ से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए या फिर प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए कई सारे मेजर्स हुआ है अब जाके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट रूल इश्यू किया है, जिसमें यह बोला जाता है प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल टू कलेक्ट ऑल ऑफ द प्रोड्यूस बाई टू आपको पता है ना हमारे देश में प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है हर चीज में आपको प्लास्टिक रॉपिंग मिल जाएगा तो ये जो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला जो कंपनी है ना उनको ये बोला कि आपको आपने जितना प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल प्रोड्यूस किया है जो मार्केट में अब घूम रहा है उसको वापस कलेक्ट करना पड़ेगा एक बार यूज होने के बाद लोग उसको फेंक देते हैं ना तो उनको बोला कि आपने जितना प्रोड्यूस किया है आपको वापस कलेक्ट करना पड़ेगा चाहे तो आप वेस्ट में से उठा लो या फिर शॉप्स में से कलेक्ट करने का कोई मैकेनिज्म ले लो या घरों से कलेक्ट करने का कुछ मैकेनिज्म कर लो जो भी है आपको ये वापस कलेक्ट करना ही पड़ेगा और जो आप वापस कलेक्ट करोगे ना उसका मिनिमम परसेंटेज आपको रिसाइकिल भी करना है ठीक है रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट्स आपको बनाना है और जो बिल्कुल रिसाइकिल नहीं कर सकता आप दूसरे काम के लिए बेच सकते हो जैसे एंड ऑफ द लाइफ डिस्पोजल बोलते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो वेस्ट टू एनर्जी में वेस्ट टू ऑयल में सीमेंट किल्स में वगैरह यूज कर सकते हो पर एक मिनिमम परसेंटेज आपको रिसाइकिल करना ही पड़ेगा जो ऐसे करेगा मतलब हंड्रेड परसेंट अपना जो प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल जो मार्केट में घूमना है उसको वापस कलेक्ट करेगा उन्हें एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा एंड ये जो सर्टिफिकेट है ये प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल कंपनीज है ना ये आपस में ट्रेड भी कर सकते हैं वो ट्रेडिंग कैसे होगा मैं आपको आगे बताऊंगा उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए 2019 के हिसाब से इंडिया में सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड एटी सेवन पॉइंट एट फाइव टन प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस हुआ था और इसमें से 60 परसेंट इज रिपोर्टेडली रिसाइकल्ड ठीक है उसमें सेवल सिक्सटी परसेंट रिसाइकिल हुआ था एंड ये जो पूरा सिक्स लाख सिक्सटी थाउजेंड में 43 परसेंट इज पैकेजिंग मटेरियल एंड मोस्ट आर सिंगल यूज प्लास्टिक ठीक है देखिए पूरे प्लास्टिक वेस्ट में 43 परसेंट पैकेजिंग मटेरियल था और उसमें मैक्सिमम सिंगल यूज प्लास्टिक था समझ गया इसलिए एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है इस तरह के रूल लेके आ रहा है जो material, जो पैकेजिंग मटेरियल हाफ ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट बन जाता है उसे कलेक्ट करने की सख्त जरूरत है अभी अब देखिए दोस्तों प्लास्टिक पैकेजिंग एस पर द रूल्स मेड पब्लिक ऑन अक्टूबर सिक्स फोर इंटू थ्री कैटेगरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लास्टिक पैकेजिंग को थ्री कैटेगरी में डिवेट किया है सबसे पहले रिजिड प्लास्टिक जो एकदम हार्ड वाला प्लास्टिक होता है सेकंड कैटेगरी है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग ऑफ सिंगल लेयर और मल्टी लेयर सिंगल लेयर में या मल्टी लेयर में जो प्लास्टिक पैकिंग होता है जैसे कि प्लास्टिक शीट्स हो गया कवर्स हो गया प्लास्टिक शीट का कैरी बैग्स हो गया प्लास्टिक साशे हो गया पाउचेस हो गया ये सब कैटेगरी टू में आ जाएगा एंड कैटेगरी थ्री में क्या आएगा ये भी मल्टी लेयर ही होगा उसमें प्लास्टिक के सिवा और भी कोई मेटीरियल यूज़ किया होगा इसको आप कैटेगरी थ्री बोलते हो एक होता है रिजिड एक होता है पूरा जो सिंगल या मल्टीलेयर वाला प्लास्टिक तीसरा है मल्टीलेयर वाला प्लास्टिक जिसमें और भी कोई मटेरियल यूज किया हो इतना समझ में आ गया आप देखिए प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लास्टिक विल बी ऑबलाइज टू डिक्लेयर टू द गवर्नमेंट बाई सेंटलाइज वेबसाइट हाउ मच प्लास्टिक दे प्रोड्यूस एनुअली समझे तो प्रॉब्लम मतलब इनके लिए वो दिया है कि उनको यह बताना पड़ेगा उनको सेंट्रल सेंट्रलाइज्ड एक वेबसाइट होगा उसमें ये डिक्लेयर करना पड़ेगा हमने इतना प्लास्टिक प्रोड्यूस किया है तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट बोले ना आपने कितना कलेक्ट किया कंपनीज विल हैव कंपनी थर्टी फाइव परसेंट ऑफ टारगेट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू देखिए ये सिस्टमैटिकली होगा ये जो कंपनीज है प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने वाला जो कंपनीज है उनको दो हजार इक्कीस बाईस तक थर्टी फाइव परसेंट कलेक्ट करना है दो हजार बाईस तेईस में सेवेंटी परसेंट करना है उसको फिर दो हजार चौबीस तक हंड्रेड परसेंट करना है तो बेसिकली दो हजार चौबीस तक पूरे जो प्रोड्यूस किया उसको कलेक्ट करना पड़ेगा मैं तो बोलूंगा बहुत अच्छा मूव है ये गवर्नमेंट की तरफ से दो हजार चौबीस में मिनिमम फिफ्टी परसेंट ऑफ द रिजिड प्लास्टिक मतलब कैटेगरी वन में आता है विल हैव टू बी रिसाइकल एज विल थर्टी परसेंट ऑफ द कैटेगरी टू एंड थ्री आर प्ला टरी टू एंड थ्री प्लास्टिक एवरी एल विल सी प्रोग्रेसिवली हाई टारगेट्स एन आफ्टर टूटी परसेंट ऑफ द कैटगरी वन सिक्सरीज लीड टू भी रीच से तो बेसिकली वही तो दोस्तों वे ऑफ अप्रोच है ये बताया गया कैसे कैसे आपको काम करना है या पढ़ लीजिएगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप देखिए दोस्तों ये जो ट्रेडिंग बीच में होगा उसके बारे में बता देता हूँ इफ एंड इस नॉट फुलर फुलफिल दियर ओब्लिगेशन दे ऑन ए केस बाई केस बेसिस बी परमिटेड टू बाई सर्टिफिकेट्स मेकिंग अप फॉर द शॉर्ट फॉल फ्रॉम ऑर्गनाइजेशन डाटा यूज रिसाइकल कंटनी एक्सेस ऑफ देर ऑब्लीगेशन मान लीजिए दो कंपनी है कंपनी ए है कंपनी बी है अब कंपनी बी को मान लीजिए कंपनी ए ने पांच हजार टन प्लास्टिक मेटीरियल इशू किया था पैकिंग मेटीरियल और कंपनी बी ने भी इशू किया था पांच हजार का और कंपनी ए ने पूरा इनका कितना करीब फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड टन तक कलेक्ट कर दिया अब पाँच सौ बचा हुआ है अब कंपनी बी ने मान लीजिए फाइव थाउजेंड से ज़्यादा दूसरे कंपनी जो ने जो प्रोड्यूस किया वो भी कलक्ट कर लिया सिक्स थाउजेंड टन कर लिया मतलब एक्सेस हो गया ना जितना इनको ओब्लीगेशन है उससे एक्सेस उन्होंने कलक्ट कर लिया अब ये जो बंदा है कंपनी ये इन्होंने पूरा क्लक्ट नहीं कर पाया और ये जो कंपनी इन्होंने एक्सेस में कलक्ट किया अब इनको जो सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना एक्सेस वाली ये इनको ट्रेड कर सकते हैं भले ये फोर थाउजेंड फंड किया पर यह पनिशमेंट से बच सकता है कैसे इनसे खरीद के तो कंपनी बी को फायदा मिल जाएगा ना इससे क्या होगा एक कॉम्पिटिवनेस बढ़ जाएगा कंपनीज के बीच में ज़्यादा कलेक्ट करने का बहुत अच्छी बात है इसी तरह काम करते हैं हमारा जो कार्बन क्रेडिट भी है आपको मैंने कल ही समझाया था कार्बन क्रेडिट क्या होता है तो कार्बन क्रेडिट में भी ऐसे ही होता ना, है ना कार्बन जितना लोग कम इमिशंस करते हैं जितना आपका जो मैक्सिमम लिमिट है जो बचा हुआ है वो बेच देते हैं दूसरे कंट्रीज को देखिए कार्बन क्रेडिट के बारे में आपको पता होगा ये मैं मान के चल रहा हूँ मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ तो वैसे ही कुछ है आपस में ट्रेड कर सकता है ठीक है तो जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से मैन्युफैक्चर ऑफ ए रेंज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स विल बी बैंड दिस इंक्लूड ईयर बड्स देखिए क्या क्या बैन करने वाला देख लीजिए ईयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बेलून्स प्लास्टिक फ्लैग कैंडी स्टिक आइसक्रीम स्टिक थर्मोकोल फॉर डेकोरेशन प्लेट कप ग्लासेस कटलरी सच सचस फोक स्पून नाइव स्टोर्स स्ट्रेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा यह सारी चीज अभी बैन होने वाला है उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये न्यूज़ के बारे में या फिर सेंटर की जो नया ड्राफ्ट रूल्स आया है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप नोट करके रख लीजिएगा जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पेपर थ्री जनरल स्टडीज टू में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में पेपर फोर जनरल स्टडीज थ्री में कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंट में आपको ये न्यूज़ काम आएगा अगला न्यूज है चाइना लॉन्चेस बायोडाइवर्सिटी फंड देखिए यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन समिट चल रहा है कहां पे चाइना के कुनमिंग सिटी में तो चाइना ने इस समिट में यह प्लेट्स किया है कि वो 233 मिलियन डॉलर टू करेंगे एक नया फंड क्रिएट करने के लिए इस फंड का नाम होगा क्विनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड और ये फंड का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में जो बायोडाइवर्सिटी है जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है जो ऑलरेडी हॉटस्पॉट बन चुका है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें कंसर्व करने के लिए ये फंड जो है यूज किया जाएगा बीजिंग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पोल्यूटर का कैपिटल जो बीजिंग है ये दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटर है तो इतना ज्यादा वो पोल्यूशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना यह बायोडावर्सिटी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए तो इसलिए ये हो रहा है

के बारे में बताया था क्लाइमेट फिनेंसिंग मतलब क्या होता है दोस्तों जो डेवलप कंट्रीज है डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे प्रोवाइड करेंगे किसके लिए नया नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के लिए मतलब जिससे कम कार्बन एमिशन हो क्योंकि डेवलप कंट्रीज ने ऑलरेडी अपना पूरा डेवलपमेंट करके या पैसे कमा के बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन करके बैठा है आप वो डेवलपिंग कंट्रीज को बोल रहे हैं आप पैरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को फॉलो करो आपका जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन से उसे कम करो ऐसा कैसे होगा तो आपने ऑलरेडी ग्रीन हाउस गैस एमिशन इतने कर रखा है इसलिए हमें अभी सहना पड़ रहा है अब हमें भी तो डेवलप करना है हमें भी तो डेवलपमेंट लेके आना है हमें भी तो कंपनीज चलानी है ये कैसे होगा तो हो ये जो पैरिस क्लाइमेट अकॉर्ड में ऐसा लिखा है कि डेवलप कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे देना होगा तो उसी टाइप का एक रिलेशन आप बना सकते हो कि ये जो चाइना कर रहे हैं ना चाइना क्या कर रहा है चाइना बिगेस्ट पोल्यूटर है बीजिंग जो है इतना ज्यादा डेवलप किया है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है उनसे तो उनके पास पैसे भी है तो उन्होंने खुद बोला हम इतना ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं ना तो हम कुछ कॉन्ट्रीब्यूट भी करेंगे ये जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है आप देखिए इस पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा मैंने बता दिया आपको 1.5 बिलियन युआन है दैट इज 233 मिलियन डॉलर देखिए आप 1.5 बिलियन युआन मतलब केवल 233 मिलियन यूएस डॉलर्स है ये डिफरेंस आप देखिए इसको बोलते हैं डीवैलशन ऑफ करेंसी ये हम आपको मैंने बताया था काफी बार हमने डिस्कस भी किया डिवाल्यूशन के बारे में डिवाल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था यूपीसी प्रब्स में चाइना अपने इंपोर्ट्स को कम करने के लिए एक्सपोर्ट्स को ज्यादा करने के लिए डिवाल्यूशन किया था करेंसी का कोई प्रूव नहीं कर पाया फिर भी ऐसा चल रहा करके जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स वगैरह बोलता है ठीक है आप देखिए थर्टी बाई थर्टी एजेंडा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यह क्या होता है की प्रपोजल जो यूएन कंजर्वेशन समिति में प्रपोजल हुआ थर्टी बाई थर्टी एजेंडा करके यह क्या है दिस वुड अफोर्ड थर्टी परसेंट ऑफ अर्थ लैंड एंड ओशंस प्रोटेक्ट स्टेटसू थाउजेंड थर्टी मतलब दो हजार तीस तक एयर का लैंड एंड ओशन का थर्टी परसेंट हम प्रोटेक्टेड स्टेटस में लाएंगे यह है थर्टी पे थर्टी एजेंडा यह थर्टी पे थर्टी एजेंडा किससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता तो है आपके जो नोट्स वाला बुक है ना उसके साइड में लिख दीजिएगा थर्टी पे थर्टी एजेंडा क्या है किससे रिलेटेड है जो भी है अब ग्लोबल स्पेंडिंग टू प्रोटेक्ट एंड रिसोर्स नेचर नीड्स टू ट्रिपल दिस डी टू अबाउट थ्री फिफ्टी बिलियन एनुअली विर्टी फाइव थर्टी सिक्स बिलियन बाई टू थाउजेंड फिफ्टी टू मीट दिस टारगेट अगर ये टारगेट को अचीव करना है मतलब थर्टी बाई थर्टी अजेंडा वाला टारगेट को अचीव करना है तो पूरे पैसे कितना खर्च करना पड़ेगा दो हजार तीस तक एनुअली तीन सौ पचास बिलियन डॉलर दो हजार पचास तक एनुअली फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स बिलियन डॉलर यह सब बताया जा रहा है अब कुछ रिच कंट्री डोनर्स हैं जैसे मैंने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बारे में बताया ना उन उन्होंने उसके अगेंस्ट भी है उन्होंने ये, ये बोला कि ये जो फंड आप बना रहे हो ना ये जो क्या है नाम कुमिंग कुमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी में ऑलरेडी इस तरह की फाइनेसिंग चल रहा है डेवलपिंग कंट्रीज में जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए या ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए फिनेंस करने के लिए ऑलरेडी डेवलप ये से एक फंड बनाकर रखा है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी तो आप ये कुर्सिटी फंड बनाने की क्या जरूरत है ये कुछ रिच कंट्रीज ने पूछा है ठीक है तो ये था न्यूज आई होप आपको समझ में आ गया पेपर फोर्थ जनरल स्टडीज थ्री में एनवायरमेंट कंसर्वेशन में आप यूज कर सकते हो इंटरनेशनल रिलेशन में यूज कर सकते हो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में वगैरह आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हो आज का फाइनल न्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट टेल्स यूटिलिटीज टू इंपोर्ट कोल देखिए आप सबको पता है हमारे देश में कोल क्राइसिस चल रहा है दो तीन वीडियो भी हमने बनाए थे इसके बारे में पर सेंडर का कहना यह था कि यह कोई क्राइसिस नहीं है भले दो या तीन दिन के लिए कॉल बचा हो फिर भी यह रोलिंग स्टॉक है रोलिंग स्टॉक मतलब अगर आप अब पूछोगे कितना कॉल बचा है तो हमें यह बताना पड़ेगा तीन या चार दिन के लिए बचा है पर यह रोलिंग स्टॉक है मतलब यह रिप्लेनिश होता रहेगा एक एक दिन आता रहेगा तो कभी यह खत्म नहीं होगा यह बताया था गवर्नमेंट ने पर देखिए अब जाके और एक न्यूज ये निकल के आ रहा है सेंडर पावर प्रोड्यूसर्स टू इम्पोर्ट अपन ऑफर कोलिट फ्यूल शोर्टेजेस मतलब ये पावर प्रोड्यूसर्स को ये क्लियरली बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका जो डोमेस्टिक है कॉल नीड्स है उसका टेन परसेंट आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले ये बहुत कम अमाउंट इंपोर्ट कराते थे रियली मतलब really में और ऊपर से नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में दस बारह चौदह घंटे की पावर कट भी चल रहा है ऐसे सुनने में आया एंड सेंटर ने यह भी बोला है दे फेडरल कंपनीज पावर सप्लाई सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी कुछ स्टेट्स क्या कर रहे हैं ना दोस्तों आप ही अपने स्टेट में लोड शेडिंग चल रहा है मतलब दस बारह चौदह घंटे की पावर कट चल रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है ना वो दूसरे स्टेट्स को बेच रहा है हायर अमाउंट में ऐसे सुनने में आया ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आया था तो सेंटर ने क्लियरली बोला अगर इस तरह कोई स्टेट्स करेगा मतलब आप ऊपर से कोल शॉर्टेज है फ्यूल शॉर्टेज है और आप आपके इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हो ऐसा नहीं हो सकता ठीक है तो अगर ऐसा कोई स्टेट्स किया करके पता चलेगा तो इनका पूरा पावर सप्लाई हम बंद कर देंगे ऐसे सेंटर ने वन बी किया है ठीक है तो इस तरह की स्ट्रिंजेंड रेगुलेशंस लेके आना ही पड़ेगा अगर इस तरह की काम चलेगा तो है कि नहीं इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है फर्स्ट बीइंग चाइना विद द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व भी इंडिया में है बट ए स्टीप सर्ज इन पावर डिमांड दैट एस आउट स्टिप प्री पैंडेमिक लेवल्स मीन स्टेट एंड कॉल्ड इंडिया सप्लाई आर नो लॉन्गर एलअ देखिए पैंडेमिक के बाद अब जाके पूरी जो इकोनॉमी रिव्यू हुआ ना और ये पावर डिमांड भी अभी ज्यादा हो गया इसकी वजह से जो कॉल की डिमांड है वो पूरा फुलफिल नहीं कर पा रहा हमारा देश तो है वैसे हम इंपोर्ट भी करते हैं वो अलग बात है थोड़ा बहुत हमारे जो डोमेस्टिक कॉल में ऐश कंटेंट ज्यादा है ठीक है आपको पता होगा ना फ्लाई आश वाला जो पोल्यूशन होता है जिसकी वजह से और ऊपर से देखिए स्टीप सर्ज हुआ है पावर में हमारी इकोनॉमी रिव्यू होने की वजह से स्टीप सर्ज भी हुआ है और और एक रीजन ये बताया जा रहा है ये जो कोल प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है कि जो कोल माइंस है ना उधर बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था जिसकी वजह से कोल माइनिंग ठीक से नहीं चल रहा था और सप्लाई नहीं कर पाया पावर कंपनीज को ये सब बताया जा रहा है तो अब हम होप कर रहे हैं कि ये एक दो हफ्ते में ठीक हो जाएगा जो भी है इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी आफ्टर द सेकंड वेव ऑफ पैंडमिक डिमांड फॉर कोल ये मैंने आपको बता दिया द पावर मिनिस्ट्री आस्ट यूटिलिटी रिल्ड ऑन लोकल कोल टू टू इंपोर्ट अप ऑफ कोल नीड्स ये भी मैंने आपको बता दिया ठीक है आप देखिए ये जो पावर कंपनी अभी इंपोर्ट करने वाला है ना इसकी वजह से ग्लोबल कोल प्राइसेस इंक्रीज होने के भी चांसेस है सिंपल इकोनॉमी है जब डिमांड बढ़ेगा प्राइस भी बढ़ेगा ठीक है पावर ओनली हैल्ड और हाफ ऑफ इंडिया वन थर्टी फाइव कोल फायर पावर प्लांट वेरी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन इंडिया में कितने कोल फाइड पावर प्लांट्स हैं बेसिकली जो थर्मल फायर प्लांट्स है वन थर्टी फाइव है वो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का सेवेंटी परसेंट सप्लाई करते हैं ठीक है थीके? Fuel that will last days or less. इतना ही फ्यूअल बचा हुआ है इतना ही कॉल बचा हुआ तीन दिन तीन या उससे कम दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में ये लिखा हुआ है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल पावर प्रोड्यूस एन टीपीसी एन टी सी क्या नेशनल थर्मल पॉलर कॉपोरेशन साइन लॉन्ग टाइम पावर परचेस एग्रीमेंट्स विद डिस्ट्रीब्यूशन फर्म फॉर द सेल ऑफ मोस्ट ऑफ द पावर आउटपुट बट फिफ्टीन परसेंट ऑफ द पवर इज कंट्रोल बाई सेंटर एनटीपीसी जितने पावर शेयर करते हैं दूसरे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ इनकी जो पंद्रह परसेंट है ना ये सेंटर कंट्रोल करते हैं मतलब ये एलोकेट करते हैं स्टेट्स को ठीक है ये आपको समझना होगा मिनिस्टर सेट दैट मिनिस्ट्री सेट दैट इफ स्टेट हैड ए सरप्लस ऑफ पावर इट शुड इन्फॉर्म द फेडरल गवर्नमेंट वीच शुड अलोकेट दैट इलेक्ट्रिसिटी द स्टीट सेट अगर कोई स्टेट के पास एक्सेस पावर है अगर आप दूसरे कुछ तरीके से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हो आपके नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें बताना है ताकि हम जिन स्टेट्स को वो फैसिलिटी नहीं है मतलब दूसरे कोई तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जिन जनरेट नहीं कर पा रहे हंड्रेड परसेंट वो कोल पावर्स में डिपेंडेट है उनको हम देंगे जैसे आप केरला कर्नाटक ऐसे स्टेट्स में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक से भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं पर बात यह है जितना हम हाइड्रो पावर से जनरेट करते हैं ना वो हमारा हाउस होल्ड्स के लिए भी काफ़ी नहीं होता है हमें भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बाहर से खरीदना पड़ता है तो वैसे सेंटर सेंटर का काम ही है इस तरह बोलना आप आगे देखेगा कोई स्टेट्स बोलेगा कि हमारे पास एक्सेस है हमें आपको दे देंगे मुझे नहीं लगता ऐसा होगा ठीक है तो अब सम स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू टू कंज्यूमर्स आर इंपोजिंग रोलिंग पावर पावर कट्स एंड सेलिंग प्राइसेस एनर्जी एक्सचेंजेस मैंने आपको बता दिया अगर कोई स्टेट्स इस तरह गलत काम करते हुए पकड़ा गया उन्हें पूरा पावर सप्लाई उनका कट किया जाएगा यह भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है तो वही था दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा जो कंटेंट क्या है बेसिकली कॉल क्राइसिस के बारे में था पेपर फोर जनरल स्टडीज थ्री में एनर्जी में आपको ये न्यूज काम आएगा तो दोस्तों दैट्स आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आप लोगों की कमेंट्स सजेशन वगैरह आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हो लेक्चर की पी डी एफ ऐसे आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है लाइक एंड कमेंट के बिना मत जाइएगा दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाई है एस्ट डे